कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या ऐसा ऐलान है? देखिए, एक सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, उसमें बहुत सारे दल हैं और वो दल उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने गांव-गांव में मेहनत की है, संगठन तैयार किया है और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा था तो वो इसी गठबंधन के और हमारे नेता लोग थे। तो अब ये तय हुआ कि हम लोग मिलकर संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे और ये गठबंधन जो है डॉक्टर अयूब साहब जो हमारे भाई हैं उनके नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में ये गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं के चुनाव लड़ेंगे। और कौन कौन से दल सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में 35,000 दलों की घोषणा अभी हुई थी और जबकि क्योंकि भाई साहब रास्ते में थे तो समय से नहीं आ पाए, तो उनकी वजह से मैंने कहा था कि 4:30 बजे के बाद जैसे भाई साहब आ जाएंगे तो हम लोग मिलकर जो है संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करेंगे। अयूब साहब, एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस UDA पहले से होता था, आप उसके साथ एक और पार्टी के साथ गठबंधन में पहले से थे, तो अब ये कौन सा मोर्चा है, ये क्या है या वही है, क्या है, क्लियर करें। ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस में आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उसके कन्वीनर हैं और पीस पार्टी, किसान पार्टी और नागरिक एकता पार्टी और जनहित किसान पार्टी, ये सब उसके मेंबर हैं। मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि के रूप में आज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। और चंद्रशेखर जी, ये जो अपना इनके साथ बहुत सारे सहयोगी दल हैं, वो सारे सहयोगी दल के नेतृत्व ये कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अलग अलग राह पे चलने के बजाय एकजुट होकर ज्वाइंटली हम लोग चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं और हम सभी ने निर्णय लिया है कि हम दोनों के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश के जो 2022 का चुनाव है उसमें हम लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे, मगर ये सभी सहयोगी दल जो हम लोग के साथ हैं, चाहे वो UDA हो या आपके साथ बहुत सारे पिछड़े दल के नेतृत्व की पार्टियां हैं जो इन्हें नेता मानती हैं और इनके नेतृत्व में काम करना चाहती हैं, तो हम लोग ज्वाइंटली रूप से हम लोग ये चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर अयूब साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ क्या कोई बातचीत आप लोग की, क्योंकि कल एक मोर्चे की बात उन्होंने भी कही थी, तो क्या मतलब इनसे अलग हैं आप लोग या किस तरीके का, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो उससे भी ऊपर है, वो लोग भाजपा को वही लोग टक्कर दे रहे हैं। मेरा सवाल इसलिए क्योंकि मतलब 35 लोग के साथ आप लोग हैं, 35 से ज़्यादा दल हैं, तो कैसे क्या देख रहे हैं? हम लोगों का विचार बिल्कुल साफ है कि जो भी समाज में सांप्रदायिक द्वेष फैला रही हैं जो पार्टियां और समाज में जो नफरत फैला रही हैं धर्म के आधार पर और जो जातीयता के आधार पर नफरत फैलाने का काम कर रही हैं और इसमें समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पिछड़े का है, दलित का है, मुसलमान का है, वो उपेक्षित है, उनको सत्ता में न तो हिस्सेदारी मिल रही है और न विकास के अवसर मिल रहे हैं। जो भी पार्टियां सत्ता में आ रही हैं वो अपने कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचा रही हैं, मगर संविधान का जो दायित्व तो है वो निर्वाहन नहीं कर रही सरकार में आने के बाद, और यही वजह है कि हम सभी एकजुट होकर के उन सभी समाज का जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो शोषित पीड़ित और उपेक्षित हैं, हम उन सबको लेकर के उनको न्याय दिलाने का हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और यही रहा वजह है कि हम सब एक साथ मिलकर के इस संघर्ष को और मजबूती देने का काम कर रहे हैं। कल जब ओवैसी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने कहा कि एक दलित समाज से एक OBC समाज से मुख्यमंत्री होगा और 3 डिप्टी CM होंगे जिसमें से एक मुसलमान होगा, आपका गठबंधन क्या कहता है? हमारा गठबंधन बिल्कुल साफ विचार है कि जो समाज में सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है हम उसे समाज में सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे हैं और ईमानदारी के साथ समाज के सभी वर्गों का ताकि विकास हो सके। हम सभी ने ये फैसला लिया है कि चूंकि पिछड़े और दलित के बहुत सारे नेता की पार्टियों ने भाई चंद्रशेखर जी को अपना नेता माना है और उन लोगों ने सभी ने समर्थन दिया है, इसलिए हम सभी ने निर्णय लिया है कि अगर हम सभी की सरकार बनती है इस ज्वाइंट जो परिवर्तन
कल की सरकार बनती है तो हमारे मुख्यमंत्री जो होंगे वो चंद्रशेखर जी होंगे और पिछड़े समाज की जितनी नेतृत्व की पार्टियां हैं वो पिछड़े समाज का एक मुख्यमंत्री और मुस्लिम समाज का एक उप मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री होंगे, मगर वो दोनों मुख्यमंत्री वो मुस्लिम समाज के जितनी राजनीतिक दल हैं उनसे होंगे और पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री होगा जो पिछड़े दल के सभी दल हैं जो साथी हम लोग के हैं उनके नेतृत्व से एक उप मुख्यमंत्री होगा। अधिकतर सरकार बनती है तो चुनाव के बाद हम लोग सभी निर्णय लेंगे कि जो हम सभी के एजेंडे पर काम करते हैं मानते हैं और जो सबका न्याय देने के भरोसा बनाते हैं हम उनके साथ सहयोग करके हम सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकता किस पार्टी को देंगे? प्राथमिकता अपनी पार्टी को है कि हम लोग अब मिल करके अपनी सरकार बनाएंगे। आज कुल मिला के कितने दल और साथ में आए? एक चंद्रशेखर आजाद साहब तो बैठे साथ में। ये तो दलों का एक समूह है ना, बहुत सारे दलों के एक नेता है, सभी ने मिल करके दल भी और उसके पहले भी बहुत सारे दलों ने अनगिनत दलों ने इनको अपना नेता माना है। पिछड़े समाज के और दलित समाज के बहुत सारी सियासी पार्टियों ने राजनीतिक दलों ने इन्हें अपना नेता माना है, सर्वसम्मत से अपना नेता माना है। तो उनके हितों का रक्षा करना उन्हें बराबर सम्मान देना वो आपका दायित्व तो है और हम सभी के साथ है तो हम सब लोग मिल करके जितने भी दल हैं हम सभी के सामने हम सबका सम्मान करते हैं और सबके भागीदारी के साथ हम सबको अवसर देते हैं। जब आपने ये अलायंस बनाया था यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त आमिर रशादी साहब भी उसमें मौजूद थे, आज वो चेहरा नहीं में दिखा है ना। फिर वही हमने आप बताया ना, आमिर रशादी साहब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर हैं और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का मैं प्रतिनिधि हूँ। ये तय किया गया है कि सभी दल के बजाय मैं एक प्रतिनिधि रहूं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का और जितने छोटी पार्टियां हैं पिछड़े और दलितों को जिन्होंने चंद्रशेखर जी को अपना नेता माना है वो हम दो ही लोग बैठेंगे प्रेस में ताकि किसी तरह का प्रेस में किसी तरह का दिक्कत ना। वो साथ है अभी सभी साथ। क्या आप भी चुनाव मैदान में उतरेंगे? अयूब जी आपसे पूछ। मैं ऑलरेडी चुनाव मैदान में हूँ, संत कबीर नगर के खिलाबाद से मैं पहले भी विधायक 2012 से 17 तक रह चुका हूँ और फिर उसी विधानसभा से मैं प्रयासरत हूँ। इनको चुनाव लड़ाने के लिए मैं खुद वहाँ उपस्थित रहूंगा, मेरी और इनकी विधानसभा बहुत नजदीक है, ये वहाँ है, 20 किलोमीटर की दूरी है। हम मिलके जो है हम बताएंगे कि किस तरह से जो है शोषित वंचित समाज के लोगों की आवाजों को उठाया जाता है, क्योंकि अब तक सभी दलों का अवसर मिला, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है और अब हम लड़ने वाले लोग मिलके राजनीतिक शक्ति बनाएंगे और उसके जरिए जो है शोषित वंचित जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करें। मुख्य मुकाबला किससे मांग रहे हैं, किस पार्टी से? हमारा मुकाबला अपने साथियों से और खुद से है क्योंकि हम खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आपको कोई अवसर नहीं देगा, आपको अपने लिए अवसर खुद तलाश करने पड़ेंगे। हमने मेहनत की है 5 साल और हम आयुब साहब यहाँ बैठे हुए हैं वो तो पहले से विधानसभा में भी रहे हैं, उन्होंने अपने आंदोलन के जरिए बहुजन समाज के हितों की रक्षा की है, तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि और अच्छे लोग जो है आगे बढ़ के इस आंदोलन से जाएं और वहां जाके उनकी कमजोरों की आवाज दें। यूपी की जनता को क्या देने वाले हैं अगर इस गठबंधन की सरकार बनती है? एक संयुक्त मैनिफेस्टो जारी करेंगे सब लोगों के मुद्दों को लेके। अभी तो एक जो मुझे महसूस होता है कि हाशिए पे रह गए लोगों को अब अपना दल मिलेगा, अपना विकल्प मिलेगा, उनकी दल के जरिए उनके बात जो है वो सदन तक जाएगी और सदन के पटल से उनके लिए नीतियां बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद आपका।